बिना इनविटेशन का खाने आए हैं गाइस, चुपचाप रहते हैं भाई, चुपचाप रहे नहीं तो मार के भगा देगा। भाई मालटा पूरा छटपट छटपट करते तो रे, आस्ते आस्ते सब पड़े गए तो देखो। Hey guys, this is your friend TJ and welcome back to a new video guys. So guys, आज का वीडियो थोड़ा नेचुरल वीडियो है और नेचर के बारे में ही थोड़ा वीडियो है। सो मेरा ऑलवेज का काम रहता है कि मैं कुछ वीडियो बनाऊँ। आप जानते हैं मैं मोटो व्लॉगर मेनली था, अभी मैं मोटो व्लॉगर से लाइफ स्टाइल व्लॉगर भी हो चुका हूँ। सो अभी मेरे को मन किया कि मैं थोड़ा नेचुरल वीडियो बनाऊँ क्योंकि ये जगह का खूबसूरती इतना सुंदर है, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप सभी को दिखाओ। सो अभी का टाइम हो रहा है सुबह के 9 बजे और अभी नेचर को मैं फील कर रहा हूँ। जो हम लोग अभी शहर में रहते हैं, शहर में तो उतना नेचुरल ब्यूटी कुछ होते ही नहीं है, इसका जो नेचर का फीलिंग्स है ये टोटली डिफरेंट है गाइस। तो यहाँ का नज़ारा देख लीजिए, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये गांव का नाम है मध्यम ग्राम। सो अभी भाई लोग के साथ ही चल रहे हैं फिलहाल। ऐसे ही फूल कोई गली रहे दिखा। सो मेरा तो भाई अभी मेरे को भी घुमाने लेके जा रहा है, गांव का पूरा अप्पा चप्पा, पूरा चप्पा चप्पा घुमा के लेके जा रहा है। सो भाई क्या मन मजा अच्छे चलो गाइस। ये हरा भरा खेत देख के मुझे कुछ पुरानी यादें याद आ जा रही है, क्योंकि मैं भी कभी छोटा हुआ करता था जब, तब मेरा मम्मी जी का गांव है तो वहां पे मैं पला बड़ा हूँ। पूरा फैमिली में 2 बहन था और 6 भाई लोग थे, तो टोटल हो गया 8, 8 भाई बहन मिला के सब हम लोग इतना छोटे छोटे थे कि हम लोग बहुत एंजॉय करते थे गांव में जब जाते थे। एक किस्सा बताता हूँ, एक किसी का जमीन में ना कद्दू होता ना, कद्दू रखा हुआ था, हमारे बंगाली में जो बोलता है कुमड़ो, तो कुमड़ो रखा छिलो, बहुत बड़ा हुआ था। तो मतलब हम लोग इतने छोटे थे और अगर कद्दू इतना बड़ा था, वो हाइब्रिड वाला कद्दू था और बीज बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, और उसको मेरे को देख के बहुत पसंद आया। तो हम लोग क्या किए ना, चुपके चुपके उसको उठाए और उतना भाई बहन मिलके पूरा घेर के लेके आ गए, मतलब क्योंकि इतना ज़्यादा भारी था वो, लेकिन आ गए थे। जो जिसका चीज़ था उसको भी पता ही नहीं चला और अभी तक शायद उसको पता नहीं है, और वही चीज़ अभी बड़ा होकर सोचता हूँ कितना गलत मैंने किया था। बेचारा को बहुत नुकसान हुआ होगा, लेकिन तब उतना मासूम थे, थोड़ी ना उतना पता था, हम लोग अपना एंजॉय के लिए वो चीज़ किए थे। तो वो इंसिडेंट बहुत मुझे याद आता है, आज का यादें ताज़ा हो गया। मैं फिर से गांव में आया हूँ और भाई लोग को देख के मेरा बचपना याद आ जाता है, और सैफुल भाई और पुचकू भाई मेरा, ये दोनों मिलके मुझे पूरा घुमा रहा है। आप लोग का प्यार रहेगा तो मैं जहाँ जहाँ मेरा दो आँख जाएगा वहाँ वहाँ मैं वीडियो बनाऊँगा गाइस। तो आपको प्यार चाहिए बस, अभी बांग्लाते हुए वीडियो बनाबो, डोंट वरी गाइस। एकटूखानी समय दिन आम जस्ट दाड़िए जाए, एकटूखानी व्यूटा बेड़े जाए कारो, अभी बांग्लाते हुए वीडियो बनाबो। तो बांग्ला हिंदी कुछ भी हो, हम लोग सब भाई भाई हैं। तो अभी फिर से जा रहे हैं अपना घर की तरफ, मतलब जहाँ पे मेरा बहन का शादी हो रहा है वहाँ पे।
चाचा जी लोग के साथ और भैया लोग के साथ अभी आए हैं चाय पीने, जो है खोड़ी बेड़े फेमस चाय स्टॉल्स। सब यहाँ पे पूरा चाय का स्टॉल है और पीछे देख सकते हैं ये भेड़ी है, भेड़ी मतलब जहाँ मछली पाला जाता है उसके बाद तो मार्केट में सप्लाई किया जाता है। और ये रहा पूरा प्लेस, ये आपको झील जैसा ही लगेगा, बड़ा वाला झील जैसा। और मैं बेबी इसी है। तो फिलहाल तो अभी बिस्किट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और थोड़ा बहुत फोटोशूट करेंगे। फोटोशूट करने के बाद यहाँ से फिर से चलेंगे घर, क्योंकि आपको पता है मैं रिसेप्शन में आया हुआ हूँ, तो आज रिसेप्शन है। सो आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ का माहौल कितना कूल है, बहुत ही अच्छा माहौल है, पूरा मजा आ जा रहा है। तो सुबह सुबह रिफ्रेशमेंट का ये बहुत एक अच्छा जरिया था जो आज आके फिर फुलफिल हुआ। यहाँ पे आए थे गांव में, पता नहीं था कि इतना ब्यूटीफुल प्लेस भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलो यार, दिन बन गया आज का। तो यहाँ पे सब जगह चाय मिलते हैं, सब कुछ मिल जाएंगे आपको। और मेसो, ये मेरा मेसो, और ये भैया लोग सब पीछे घूम के खड़े हैं, पता नहीं क्यों नहीं यहाँ पे। एक्चुअली बात ये है कि यहाँ पे बहुत धूप आ रहा है ना, इसलिए सब लोग साइड हो जा रहे हैं। ज्यादा गोरे हैं ना भैया लोग, तभी शर्मा रहे हैं। सावट के लिए खेद है, एक्चुअली स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, तो ये मैं पहले बता देता हूँ। यार क्लियरिटी आश्चर्य ना शेरा। सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, नदी पार करने का प्लान हो रहा है। आई मीन भेड़ी, पता नहीं क्या होगा। सो यहाँ पे एक चैलेंज हो रहा है। বাইকটা কো হাঁটি নি নাকি ধুয়ে নেবো একবার। জুতো খুলে যাচ্ছ? জুতো খুলে চলো না, জুতো খুলে চলো না, ওইদিকে একটু কাদা হবে, জুতো পরে গেলে অসুবিধা হবে। आइलैंड पे जाया जा रहा है, बहुत दूर है, अंडमान निकोबार आइलैंड है। दादा अरे बोल ना, एक मिनट जल जाबे जाबे अरे बोल जाबे हम जाबो ना, चलो ना पैंट गोटा दे हमें ना पैंट गोटा आसो ना अरे नीचे देखा जा की आसो ना आछे। सो हम लोग अभी नदी पार कर रहे हैं, साहस देखिए साहस, आइलैंड पे जाया जा रहा है आइलैंड। अरे नीचे देखा जा আরে বাপরে বাপ, কি মাটি দেখা যাচ্ছে, সলিড কতটা, বাপরে। আইল্যান্ড পে আ চুকা হুম, পানি সে চলতে চলতে এই আইল্যান্ড পে আয়া হুয়া হুম, চারো তরফ পানি হে ভিতু কাঁ কোন মাটি বল, এই মাটি বল তাই তো দেখছি তো। আইল্যান্ড পে আ চুকে আইল্যান্ড, সো আন্দামান আইল্যান্ড মে আ চুকে উইদাউট পেইং আ সিঙ্গেল অফ রুপিস, এক টাকাও পেমেন্ট করলাম না, আন্দামানে চলে এলাম। মেসো দেখো, এখানে ভেড়ির মালিক এসে শুরু করে চুন মারছে, চুন মারবে তারপরে মাটি পুরো শুদ্ধ করে ফেলবে। আচ্ছা
ভুলভাল আমরা একদম পারফেক্ট দিক দিয়ে এলাম, ডান দিক বাঁ দিক একটু হলেও ডিপ হালকা, ডান দিক আমার সিধে। সো হো গিয়া হাম লোগ কা কাম তমাম, লেটস ব্যাক টু ওয়ার্ক, হ্যাভ টু গো হোম। চলো ইয়ার হবে তো, হবে, চলো ফার্স্ট গিয়ে দাও, উঠে গেছে, চলো নিউট্রাল ছিল অতক্ষণ, হবে তোর আমা গো রেস হচ্ছে তো, যে জিতবে একটা মালাই চা খাওয়ানো হবে।